असलकुम अ टॉपिक इज़ अबाउट द फ्रैक्चर्स ऑफ अपर लिम फ्राम आर्थोपेडिक सर्जरी अभी तक हमने आर्थोपेडिक सर्जरी में कुछ जनरल टर्म्स पढ़ी थी देन वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर दैन वी डिस्कस्ड अबाउट द जनरल मैनेजमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्रैक्चर उसके बाद नाव वे अगोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्रैक्चर्स ऑफ अपर लिम्ब सो अपर लिम के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का फ्रैक्चर हो सकता है जो जो हड्डी होगी उस उसका फ्रैक्चर हो सकता है कहीं से भी सो अपर लिम कंसिस्ट ऑफ स्कैपुला दैन क्लाविकल दैन ह्यूमरस दैन रेडियस अलना एंड द रिस्ट बोन्स दैन द कार्पल्स मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजस सो इन में से किसी भी चीज़ का भी फ्रैक्चर जो है वो अपर लिम में हो सकता है ठीक है तो हम कुछ फ्रैक्चर्स पढ़ेंगे जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फ्रैक्चर्स ऑफ ह्यूमरस ठीक है तो एज यू नो दैट ये ह्यूमरस का लोअर एंड दिखाया हुआ है यहाँ पर क्या होता है कि वी हैव एज यू कैन सी हेयर देर इज अ ट्रोकलिया एंड देर इज कैपिचूलियम और इसके अलावा जो है वी हैव द दॉरनाइट फोसा एंड वी हैव द रेडियल फोसा तो ये आपको जो है वो ट्रोकलिया और कैपीचूलियम दिखाया हुआ है जो हेड ऑफ रेडियस होता है ना वो कैपिचुलम के नीचे होता है और हमारी जो ट्रोकुलर जो रेडियल नोच होती है अल्ना के ऊपर उसके साथ फिक्स होता है जबकि जो हमारी है अल्ना वो हमारी ट्रॉकलिया की जो नॉच होती है उसके अंदर फिक्स हो रहा होता है ठीक है यहाँ पे भी आपको दिखाया हुआ है कैपिचुलम एंड ट्रॉकलिया कैपिचुलम के साथ रेडियस होगा और ट्रोकलिया के साथ जो है हमारी अल्ना होगी नीचे हमारी जो है टॉकलेट नॉच होगी उसके अंदर और आपको दिखाया हुआ है मीडियल एपी एंड लेटरल एपी तो हमने जो ह्यूमरस का पहला फ्रैक्चर पढ़ना है वो इस तरह से होगा कि हमारी ये जो एपी होंगी कोंडाइल्स होंगी और ये वाला जो फ्रैक्चर होता है ना ये बच्चों में मोस्ट कॉमन होता है सुपरा कंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर अराउंड द एल्बो इन चिल्ड्रन और ये क्यों होता है फॉल ऑन द आउट स्ट्रेच्ड हैंड की वजह से अब इसकी जो है थ्री टाइप्स होती हैं जिनको हम पिक्चर से देखेंगे जो टाइप वन होगी ना उसमें सुपरा कंडाली फ्रैक्चर तो होगा लेकिन वो डिसप्लेस नहीं होगा एज़ यू कैन सी हेयर यहाँ वे बॉन्स अपनी पोजिशन पर हैं डिसप्लेस नहीं है ठीक है जो टाइप टू होगा ना वहाँ पर देखें पोस्टीरियर से तो वो जुड़ा होगा लेकिन एंटीरियर से जो है ना वो हमारे आ, जो हैं पोस्टीरियर से वो जुड़ा होगा मतलब पोस्टीरियर पेरियोस्टियम जो होगी वो इसकी इंटैक्ट होगी और एंगुलेशन uh, जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी जो कि एक नॉर्मल नाइन्टी डिग्री का एंगल बन रहा था ना अब वो एंगल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा ठीक है और जो टाइप थ्री होगा ये आपको नज़र आ रहा है टाइप थ्री में आपको क्या नज़र आ रहा है कि वो कम्प्लीटली डिसप्लेस हो गया और जो फ्रेगमेंट्स हैं वो ओवरलैप करना शुरू कर देंगे ठीक है तो टाइप वन में क्या है कि वो फ्रैक्चर तो हुआ लेकिन डिसप्लेस नहीं हुआ टाइप टू में क्या हो रहा है पोस्टीरियर पैरिओस्टियम इंटेक्ट है और एंगुलेशन प्रोड्यूस हो रही है और टाइप थ्री में क्या होगा टाइप थ्री में क्या होगा कि वो कम्प्लीटली डिस्प्लेस हो जाएगा ठीक है तो ये आपकी बुक में भी इसी तरह लिखा हुआ है अब हमारा आ जाता है कि हमने इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है तो टाइप वन का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए इसमें कि रिडक्शन की ज़रूरत है टाइप वन में नहीं क्यों क्योंकि वो डिस्प्लेस ही नहीं हुए फ्रेगमेंट्स डिस्प्लेस हो तो हम रिडक्शन करें ना तो सबसे पहले आप जनरल मयर्ज ही लोगे जैसे कि हमने मैनेजमेंट हम देखी थी सबसे पहले वी वील कन्ज़र्वेटिवली मैनेजमेंट मैनेजमेंट हम करेंगे एबीसी मेंटेन सी करने के बाद एंटीबायोटिक्स और एनलजीजिया देंगे ठीक है उसके बाद हम क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है हम जस्ट क्या करेंगे कि बाजू जो है ना उसको स्लिंग लगा के ना तो इमोबलाइज़ कर देंगे और स्टेबलाइज़ कर देंगे मतलब इमोलाइज इमोबलाइज़ कर देंगे स्टेबलाइज जो है यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है मतलब वो जो हमने प्लास्टर ऑफ पैरिस लगाया हुआ था उसकी ऐसे ज़रूरत नहीं है हमें जस्ट इमोबलाइज़ कर देंगे इसको ठीक है तो टाइप वन को हम जस्ट लिंग लगा के ऐसे इमोबलाइज़ कर देंगे तो फर्स्ट टाइप को आपका आपने ट्रीटमेंट देख लिया अब दूसरी टाइप टू में आपको क्या नज़र आ रहा है कि वो जो पोस्टीरियर से जो है ना वो पेरीऑस्टि इंटेक्ट है और एंगुलेशन प्रोड्यूस हो गई है तो इस केस में हम क्या करेंगे हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे रिडक्शन की ज़रूरत है बिल्कुल है हम ऊपर वाली जो पीस बोन का एंगुलेशन प्रोड्यूस हुई है उसको हम रिडक्शन रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो इसमें रिडक्शन जो है वो हम बाहर से करेंगे या अंदर से ही करेंगे ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे क्लोज़ रिडक्शन करेंगे तो हम क्लोज रिडक्शन जो है वो इजीली बाहर से ही हम कोई हमें ओपन करने की ज़रूरत नहीं है हम जस्ट क्लोज रिडक्शन करेंगे और कास्ट को हम फिक्स कर देंगे और नाइन्टी डिग्री पे करके जो उसका नॉर्मल एंगल था उसके ऊपर ठीक है और कास्ट लगा देंगे मतलब वो जो हमारा प्लास्टर ऑफ पैरिस था वो भी हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत है क्योंकि वी हैव आफ्टर रिड्यूसिंग वी विल स्टेबलाइज विद द कास्ट एंड देन वी विल अप्लाई द स्लिंग तो टाइप वन में हमने क्या किया था जस्ट उसको स्लिंग अप्लाई किया था टाइप टू में हमने क्या किया उसको रिड्यूस किया हमने उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट सेम होगी ठीक है उसको रिड्यूस किया और उसके बाद उसको हमने कास्ट अप्लाई किया स्टेबलाइज करने के बाद हमने उसको फिक्स कर दिया विद द हेल्प ऑफ इमोबलाइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्लिंग ठीक है और यहाँ पर हमें फ़िक्सेशन की ज़रूरत है कास्ट के थ्रू ही फिक्सेशन कर देंगे ठीक है देन इज़ ए टाइप थ्री टाइप थ्री में आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे तो बिल्कुल ही डिसप्लेसमेंट हो गई है यहाँ पे आप क्लोज़ रिडक्शन कर कर सकते हैं क्लोज़ रिडक्शन यहाँ पे मुश्किल है यहाँ पे हम क्लोज़ रिडक्शन नहीं कर सकते यहाँ पे तो सारे पीसीज ही अलग हो गए हैं तो हमें मोस्ट प्रॉबेबली मतलब अगर हम क्लोज़ रिडक्शन करने की कोशिश भी करें ना तो वो नहीं होता हमें इसको ओपन ही करना पड़ता है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एनेस्थीजिया देंगे अच्छा सा वही एन एनेस्थीजिया देंगे और फिर हम उसकी जो है ओपन रिडक्शन करेंगे ठीक है सबसे पहले क्लोज़ रिडक्शन करने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर नहीं होता तो फिर हम ओपन रिडक्शन करेंगे और फिर हम ओपन रिडक्शन करने के बाद हम इसकी फिक्सेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ वायर्स यहाँ पे हम सिंपली कास्ट लगा के स्लिंग लगा दें अगर प्लास्टर ऑफ पैरिस लगा के स्लिंग लगा दें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बोन्स बिल्कुल सेपरेटेड हैं वी हैव टू फिक्स दैम विद सम काइंड ऑफ वायर्स और एट्सेट्रा तो फिर हम क्या करेंगे इसको स्लिंग जो है वो ओपन रिडक्शन करके ओ आर करके आई एफ करेंगे मतलब इंटरनल फिक्सेशन करेंगे औरफ़ करेंगे और आर आई एफ ठीक है तो बस सिंपली लुकिंग द फ्रैक्चर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है माइंड के कॉन्सेप्ट हैं कि अगर इस तरह की हड्डी होगी तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे सोचने वाली बात है मतलब कॉन्सेपचुअल बात है इसको रिवाइज भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको खुद एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हाँ इसको मैं ऐसे ऐसे ठीक कर सकता हूँ ठीक है तो टाइप वन क्या था अनडिसप्लेस्ड लेकिन फ्रैक्चर हुआ था टाइप टू क्या है एंगुलेशन प्रोड्यूस हो गई है टाइप थ्री क्या है कम्प्लीटली डिसप्लेसड है तो टाइप ट्रीटमेंट ऑफ वन क्या होगा कि हम क्या करेंगे कन्जर्वेटिवली मैनेज करेंगे एनलजीजिया एंटीबायोटिक्स स्लिंग विद टू बी मोबलाइज और टाइप टू में क्या है क्लोज रिडक्शन करेंगे एंड कास्ट फिक्सेशन करेंगे मतलब कि प्लास्टर और लगा के स्लिंग लगाएंगे ठीक है और टाइप थ्री क्या है हम ओपन रिडक्शन करके इंटरनल फिक्सेशन विद द के वायर्स करेंगे ठीक है देन इज़ रे तो देखें यहाँ पे ह्यूमरस का सुपर फ्रैक्चर हुआ है एंड यू नाउ दैट यहाँ पे आपकी ब्रेकेल आर्टरी होती है जिसको आप मीडियली uh, करते भी हो पैलपेट जब आप पल्सिस ले रहे होते हो तो यहाँ पे वो ब्रेकेल आर्टरी डैमेज हो सकती है ब्रेकिअल आर्टरी डैमेज होगी तो क्या होगा ये जो हमारे मसल्स होंगे ना फॉराम के उनको ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा उनका इस्कीमिया हो जाएगा जिसको जिसकी वजह से क्या होगा कि वो सुकड़ जाएंगे मसल्स कंट्रैक्चर हो जाएगा शॉर्ट एंड हार्ड हो जाएंगे तो ड्यू टू इंजरी टू द ब्रेकिल आर्टरी इट कैन रिजल्ट इन द वॉक स्कीमिक कंट्रैक्चर इसके अलावा आपको पता है यहाँ पे नर्व्स भी गुजरी होती हैं रेडियल नर्व मीडियल नर्व अंडलर नर्व ठीक है तो इन नर्व्स की भी इंजरी हो सकती है और कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी हो सकता है तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस बहुत आसान था ना सबसे पहले हमने देखा मोस्ट कॉमन है बच्चों के अंदर आउट आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे फॉल करने की वजह से होता है इसकी थ्री टाइप्स होती हैं उसको आपने पिक्चर से याद कर लेना है और ट्रीटमेंट कैसे करना है वो आपको खुद ही पता होना चाहिए आसानी से हम कर सकते हैं पहले को कंजर्वेटिवली मेंटेन कर लेंगे दूसरे में हमें रिडक्शन करनी पड़ेगी प्लास्ट्रोपेरिस तीसरे में हमें थोड़ी सी ओपन फिक्सेशन ओपन रिडक्शन करनी पड़ेगी ठीक है और कॉम्प्लिकेशनस आसान सी हैं या तो आर्टरी डैमेज हो जाएगी या नर्व्स डैमेज हो जाएंगी या फिर मसल कन्फ्रैक्चर हो जाएगा कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा ठीक है दैन इज़ रेडियल हेड फ्रैक्चर रेडियल हेड याद आ रहा है जो हमने देखा था नडमी में कहाँ पर था ऊपर कैपिचुलम था साइड पर अल्लाह के जो आ, उपर, अंदर फॉसा बना हुआ था उसके अंदर वो सेट हुआ हुआ था अब वहाँ पर वो फ्रैक्चर होगा तो उसको कहेंगे रेडियल हैड फ्रैक्चर जो रेडियल हेड फ्रैक्चर होता है ना ये भी हमारा आउटस्ट्रेच्ड हैंड के ऊपर फॉल करने की वजह से होता है जैसे आउटस्ट्रेच्ड हैंड पर सुप्रा कंटाले फ्रैक्चर हुआ था तो रेडियल हेड भी फ्रैक्चर कर सकता है अब इसके भी तीन टाइप्स होती हैं ठीक है टाइप वन में क्या होगा टाइप वन और टू जो है उसमें जो रेडियस का सर होगा वो आधा टूटेगा पार्शल टूटेगा लेकिन डिफरेंस क्या होगा मैं इनको पिक्चर्स भी आपको दिखाती हूँ डिफरेंस क्या हो जाए हो जाएगा टूटेगा तो, तो दोनों में आधा सर लेकिन टाइप वन में वो अनडिसप्लेसड रहेगा टाइप टू में वो डिसप्लेस हो जाएगा टूट के और टाइप थ्री में क्या है कि उसके टुकड़े 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 हो जाएंगे नंबर ऑफ पीसीज में वो डिवाइड हो जाएगा जिसको हम कहते है, communuted, communuted, communuted fracture. है? हैं कॉमी नोट कमी न्यूटेड फ्रैक्चर ठीक है अब इसकी पिक्चर देख लेते हैं सो हेयर इन दिस डायग्राम यू कैन सी द रेडियस हेड टाइप वन में देखें पार्शल टूटा है आधा सा टूटा है लेकिन अनडिसप्लेसड है टाइप टू में क्या हो रहा है कि वो पार्शल तो टूटा है लेकिन डिसप्लेस हो चुका है और टाइप थ्री में देखें उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और कॉम्यूनेटिड फ्रैक्चर है ठीक है तो दीज आर द टाइप्स अब इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जो टाइप वन होगी उसको आप कैसे मैनेज करेंगे जैसे हमने सुपर कंडाइलर ऑफ द ह्यूमरस को किया था जब वो डिसप्लेस नहीं हुआ था कंजर्वेटिवली इसमें हम जस्ट पेशेंट की ए बी सी मेनटेन करेंगे उसको एनर्जीजिया देंगे अच्छा सा एंटीबायोटिक देंगे ठीक है तो अगर छोटे से आ, होगा प्रॉब्लम जो टाइप टू होगा उसमें देखें कैसे मैनेज करेंगे देखें अब ये छोटा सा हिस्सा छोटा सा टुकड़ा साइड पे हुआ है यहाँ पे पिक्चर में थोड़ा लंबा बड़ा नज़र आ रहा है बट इसका जो टुकड़ा उतर के गिरता है ना वो समझ लें छोटू सा होता है तो उसकी हम बाहर से ऐसा रिडक्शन नहीं कर सकते छोटे से टुकड़े की ठीक है तो हमें मोस्टली यही करना पड़ता है पहले हम क्लोज रिडक्शन करने की कोशिश करेंगे एक्सटर्नली फिक्सेट करने की कोशिश करेंगे बट अगर वो नहीं होता तो फिर हमें ज़्यादातर केसेस में यही करना पड़ता है ओपन रिडक्शन करनी पड़ती है ओपन रिडक्शन और इंटरनल uh, फिक्सेशन करनी पड़ती है इफ़ करना पड़ता है ठीक है और जो टाइप थ्री है वो तो वैसे ही टुकड़े टुकड़े हो गया उसमें हमें वैसे ही ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन करनी पड़ेगी ठीक है तो आसान से मैनेजमेंट है जो डिसप्लेस नहीं होगा उन सब में हमने कन्ज़रवेटिवली मैनेज जो डिसप्लेस हो गया उसमें हम पहले ओपन रिडक्शन क्लोज रिडक्शन करने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर नहीं होता तो फिर ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन की तरफ जाएंगे और जितना फ्रैक्चर गंदा किस्म का ख़राब होगा टाइप थ्री फ्रैक्चर्स उसमें हमें ओपन ही करना पड़ेगा और इंटरनली ही फिक्सेट करना ठीक हो गया नेक्स्ट आते हैं अभी तक हमने ह्यूमरस का सुप्रा फ्रैक्चर पढ़ लिया और हमने रेडियस के सर का फ्रैक्चर पढ़ लिया नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर फ्रैक्चर्स ठीक है फॉरम में कौन से बोन्स हैं दो रेडियस है और अल्ना है तो उनका जो फ्रैक्चर होगा ना उसको कहेंगे फोर फ्रैक्चर ठीक है अब ये जो होता है क्यों होता है डायरेक्ट ट्रामा टू द बोन या फिर फॉल ऑन द आउट्रिस्ड हैंड ठीक है तो फॉल ऑन द आउट्रिस्ड हैंड के ऊपर या तो सुपरकेंडाइलेट फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस हो सकता है या रेडियस के साइड का फ्रैक्चर हो सकता है या फिर रेडियस और ना दोनों का फ्रैक्चर हो सकता है फॉरम फ्रैक्चर हो सकता है ठीक है तो या फिर जो इसका है वो डायरेक्ट ट्रोमा टू द बोन भी होता है अब देखते हैं इसकी पिक्चर अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेडियस और अल्लाह है और दोनों की फ्रैक्चर हुई हुई है अब होगा क्या देखें अगर यहाँ से मैं अगर आपसे पूछूँ कि यहाँ से ब्लो आया ठीक है डायरेक्ट ट्रामा हुआ बोन को तो क्या आपको लगता है कि दोनों फ्रैक्चर्स होंगी दोनों ही फ्रैक्चर हो सकती हैं एक साथ हाँ एक भी हो सकती है लेकिन मोस्टली यही होता है कि जब इनके ऊपर फ्रैक्चर होता है फ़ोर्स लगती है तो दोनों के ऊपर फोर्स लगती है और दोनों जो हैं वो फ्रैक्चर हो जाती हैं मोस्टली आपको दोनों का फ्रैक्चर इकट्ठा मिलता है ठीक है और यू कैन सी इन द एक्सरे टू तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए देखें हमें इसमें ओपन रिडक्शन करनी चाहिए या क्लोज़ रिडक्शन करनी चाहिए अगर हम क्लोज़ रिडक्शन की कोशिश करें इसमें तो क्या लगता है आपको हम रेडियस को सही करने की कोशिश करेंगे अल्ला डेविएट हो जाएगी अल्ला को सही करने की कोशिश करेंगे रेडियस क्यों क्योंकि फ्रैक्चर डिफरेंट डायरेक्शंस में हो सकता है ठीक है और हम अगर फोर्स लगाएंगे तो वो भी हमारी डिफरेंट हो सकती है ठीक है तो क्लोज रिडक्शन हम पहले करने की कोशिश करेंगे लेकिन मोस्टली इन केसेस में जब इन दोनों के फ्रैक्चर्स हो, तो मोस्टली डॉक्टर्स यही प्रेफर करते हैं कि हम इनको ओपनली रिड्यूस करें ठीक है तो इसमें हमारी जो होगी प्रोसीजर दैट विल बी ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन विद प्लेट्स ठीक है और जो एडल्ट्स होते हैं उनमें तो हम इनको जो है ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन कर देते हैं लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके अंदर आप सोचें अगर हम ओपन रिडक्शन करें इंटरनल फिक्सेशन करें बोन की उनको हम फिक्स कर दें एक जगह पे तो आपको लगता है कि बच्चे जब बड़े होंगे तो उनकी ग्रोथ रुकेगी फिक्सेशन की वजह से उनकी बोन की जो ग्रोथ है नॉर्मल हो रही है वो उसी तरह जाएगी नहीं उनकी ग्रोथ रुक सकती है और दूसरा ये है कि बच्चों की ना बोन्स बहुत सॉफ़्ट होती हैं इसलिए उनमें क्लोज़ रिडक्शन ईजिली हो जाती होती है बोन्स अपनी जगह पर वापस आसानी से आ जाती हैं तो इस वजह से जो एडल्ट्स होते हैं उनमें तो हम ओपन फिक्सेशन ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करते हैं लेकिन बच्चों में हम प्रेफ़र करते हैं कि क्लोज़ रिडक्शन ही करें ठीक है उसके बाद जी हमारा आ जाते हैं दो कर दो तरह के फ्रैक्चर्स एक होता है मॉन्टेजिया फ्रैक्चर और दूसरा होता है गैलाजी फ्रैक्चर ठीक है इनको देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ मॉन्टेजिया फ्रैक्चर सिंपल ये है मॉन्टेजिया फ्रैक्चर में कि यू कैन सी देखें जो थम्ब वाली साइड होती है ना दैट इज़ रेडियल साइड और जो दूसरी साइड होती है दैट इज़ अनर साइड तो आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है फ्रैक्चर किसका हुआ है मोन्टेजिया के अंदर अल्ना का और हेड किसका डेविएट हुआ हुआ है रेडियस का तो ऐसा फ्रैक्चर जिसमें फ्रैक्चर ऑफ प्रॉक्सिमल अल्ना हो और डिसलोकेशन ऑफ रेडियल हेड हो इसको हम कहते हैं मोंटेजिया फ्रैक्चर ठीक है ऑपोजिट है गिलाजी फ्रैक्चर गिलाजी फ्रैक्चर में थम वाली साइड कौन सी है ये वाली रेडियल साइड तो फ्रैक्चर किसका हुआ हुआ है रेडियस का और देखें डिसलोकेशन किसकी हुई हुई है अल्ला की एक और डिफरेंस मोंटेजियर फ्रैक्चर में रेडियस का हेड डिसलोकेट हुआ हुआ है गिलाजी फ्रैक्चर में अल्ला की प्रॉक्सिमल एंड हुआ हुआ है ठीक है तो ये भी डिफरेंस है वहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा रेडियस का टूटा हुआ है डिसलोकेट हुआ हुआ है यहाँ पे अल्ला का नीचे वाला हिस्सा तो समझ आई गिलाजी और मोंटेजिया बिल्कुल ऑपोजिट हैं आप अगर एक याद कर लेना कि मोंटेजिया के अंदर जो है वो अल्ला का फ्रैक्चर है फिर सारा कुछ याद हो जाता है मोन्टेजिया एंड गिलाजी फ्रैक्चर ठीक हो गया सो so, मटेजिया में फ्रैक्चर ऑफ प्रॉक्सिमल अल्ला एंड डिसड गलाजी में फ्रैक्चर ऑफ शैफ्ट ऑफ द रेडियस एंड डिसलोकेशन ऑफ रेडियल एलना डिस्टल एलना अप्रॉक्सीमट नहीं है ठीक है देन वी हैव द कूलीज फ्रैक्चर एंड द स्म फ्रैक्चर कूलीज फ्रैक्चर क्या होता है सबसे पहले वी हैव द रिस्ट जॉइंट ये रिस्ट जॉइंट है ठीक है रिस्ट जॉइंट के टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर के अंदर अंदर होना चाहिए ठीक है अब एक बात याद रखनी है कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो होता है ना वो हम ऑन द बेसिस ऑफ नियरेस्ट जॉइंट करते हैं अब यहाँ पर रिस्ट जॉइंट इज़ द नियरेस्ट जॉइंट तो जो फ्रैगमेंट उस जॉइंट के करीब होगा नियरेस्ट जॉइंट इज रेस्ट जॉइंट दैट इज़ प्रॉक्सिमल सेगमेंट तो यहाँ पे ये वाला जो होगा ना पार्ट दिस इज़ प्रॉक्सिमल एंड दिस इज़ डिस्टल ठीक है तो रिस्ट जॉइंट के 2.5 सेंटीमीटर अबव होना चाहिए और जो फ्रैगमेंट होना चाहिए और जो डिस्टल सेगमेंट होना चाहिए रेडियस का वो हमारा रेडियली डिस्प्लेस होना चाहिए रेडियली मतलब थंब वाली साइड पे तो आपको ये लग रहा है ये वाला जो डिस्टल फ्रेगमेंट है ये थंब वाली साइड के ऊपर डिस्प्लेस हुआ हुआ है और जो है डॉर्सली हुआ हुआ है डॉर्सल है डॉर्सल साइड पे हुआ हुआ है डॉर्सली है और रेडियल साइड पे है सो दिस मेक्स द जो है ना रिस्ट टू ड्रॉप जिसकी वजह से उसकी फिगर इस तरह की आती है जैसे डिनर फॉर्क होता है सो दिस इज़ नाउन एज डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी ठीक है सो so इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा क्लोज़ रिडक्शन करेंगे बाहर से हम इजीली कर सकते हैं मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी कूलीज फ्रैक्चर की किस तरह से हम क्लोज रिडक्शन करते हैं और अगर क्लोज़ रिडक्शन से नहीं फ़ायदा होता तो फिर हम क्या करते हैं औरफ करते हैं डेट इज़ ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन और फिर फिक्सेशन करने के बाद भी अप्लाई द कास्ट स्प्लेंट मतलब प्लास्टर ऑफ पैरिस एंड देन जो है हम स्लिंग अप्लाई कर देंगे एंड देन वी विल डू द रिहेबिलिटेशन थेरेपी दैट इज़ एक्सटर फिजिकल थेरेपी ठीक है स्मिथ्स फ्रैक्चर जो होता है ना वो ऑपोजिट होता है मतलब कि अगर हमारी जो डिस्टल बोन फ्रैगमेंट है वो डॉर्सली जो है वो हो तो दैट इज़ नोन एज द डॉर्सली हो तो दैट इज़ नोन एज कोलिस फ्रैक्चर और अगर वो डिस uh, जो है uh, मतलब ऑपोजिट हो मतलब वेंट्रल साइड पे डिसलोकेट हो तो दैट इज़ नोन एज स्मिथ्स फ्रैक्चर ठीक है सो टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर के अंदर अंदर होना चाहिए मतलब टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर के ऊपर होना चाहिए अगर उससे ऊपर का होगा तो उसको हम कूलीज नहीं कहेंगे उसको हम शाफ्ट का फ्रैक्चर कहेंगे ठीक है तो फ्रैक्चर ऑफ रेडियस विद इन टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ऑफ रिस्ट जॉइंट और क्या है डॉर्सन एंड रेडियल डिसप्लेसमेंट ऑफ द डिस्टल फ्रैगमेंट है वो हो रहा है और इसको हम कहेंगे डिनर फॉक डिफॉर्मिटी तो इसको हम कहेंगे कूलीज फ्रैक्चर ठीक है और ये मैंने आपको बताया था कि फीमेल जो ऑस्टिप्रोटिक होती हैं ना उनके अंदर मोस्ट कॉमन होता है और ये हमने कहाँ पढ़ा था भला कॉलेज फ्रैक्चर का ये डिस्टल ये ऑस्टि प्रोसेस का जो टॉपिक तो था ना मेडिसिन का उसमें मैंने आपको बताया था और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या है क्लोज रिडक्शन वो मैंने आपको बता दिया है और फिर ओपन फ्रे और फिर उसको रिहेबलेटेड स्मिथ्स का क्या है रिवर्स है कॉलिस फ्रैक्चर का इसमें क्या होता है वेंट्रल डिसप्लेसमेंट होती है डिजिटल फ्रैगमेंट की ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द Today's topic in which we discussed about ke, uh, Supracondylar of the fracture of the humerus We discussed about the radial head fracture We discussed about the fractures of the forearm And we di discussed about the uh, fractures of the radius and ulna shaft And then we discussed about the um, Monteggia and Galassi fracture and, when, and then we discussed about the Coolies versus Smith's fracture So this is all about today's topic